स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर चेंजिंग लाइफ पार्ट वन। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट अर्बनाइजेशन एंड रूरल एरिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ सिटी और अर्बन एरिया। ओके, अर्बनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि अगर एक ही जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रही है, यानी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ हो रही है? सिटी और अर्बन एरिया में। यानी पॉपुलेशन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? शहरों में। ठीक है, सो अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ सिटी और अर्बन एरिया। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज वन मेजर रीजन फॉर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, अर्बनाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ये एक मेजर रीज़न है। और उसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं जो अर्बनाइजेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका अफेक्ट पड़ता है, तो हम देखेंगे कि अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो अ फ्यू अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बनाइजेशन आर एयर, वाटर एंड द इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी फॉर कम्युनिटी लाइफ। ओके, तो हमारे लाइफ के लिए, कम्युनिटी लाइफ के लिए, या फिर हमारे लाइफ के लिए, कम्युनिटी लाइफ का मतलब ही होता है कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, तो उनके लाइफ के लिए जो है बहुत सारी चीज़ होती है जो नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है। ओके, तो वही दिया है अदर फैक्टर्स जो है जो अर्बनाइजेशन पे अफेक्ट डालते हैं, तो वो क्या क्या है? एयर है, वाटर है, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि किसके लिए नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं? कम्युनिटी लाइफ के लिए। ओके, नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया द इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन इज ऑल्सो ड्यू टू फैक्टर्स सच एज रिडक्शन इन द मॉर्टेलिटी रेट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सिटीज एंड द रिजल्टिंग माइग्रेशन। ओके, हमने फर्स्ट रीजन, मेजर रीजन पढ़ा अर्बनाइजेशन का, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अदर फैक्टर्स भी हमने पढ़े जो अर्बनाइजेशन पे अफेक्ट करते हैं, लाइक एयर, वाटर, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये भी कहा गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी इंडिया को जब आज़ादी मिली उसके बाद इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुए, अर्बन पॉपुलेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हुए। वो कौन से फैक्टर्स की वजह से? जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है? रिडक्शन इन द मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट, यानी मेडिकल प्रोग्रेस होने की वजह से, मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस होने की वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट की अच्छी फैसिलिटीज़ होने की वजह से डेथ रेट क्या होता गया? कम होता गया। तो ये भी एक फैक्टर्स है अर्बनाइजेशन का, अर्बन पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई और उस इंडस्ट्रीज़ में लोगों को जो है जॉब मिला। ठीक है, जॉब अवेलेबल कराया गया, ये भी एक रीज़न है कि अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट दिया है अनअवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज़, यानी विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में लाइवलीहुड के साधन जो है अनअवेलेबल है, यानी जो जीविका होती है लोगों की, लाइवलीहुड होता है, तो वो रूरल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है, उसके साधन अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से विलेजर्स यानी गांव के लोग कहाँ भाग के जाते हैं? शहरों में। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न क्या दिया है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सिटीज़। रूरल एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं है, कहाँ पे अवेलेबल है? सिटीज़ में। एंड लास्ट वन इज़ द रिजल्टिंग माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है? कि रूरल एरिया से लोग माइग्रेट होके कहाँ जा रहे हैं? अर्बन एरिया में। ठीक है, तो ये भी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से अर्बन पॉपुलेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? रिडक्शन इन द मॉर्टेलिटी रेट, मीन्स डेथ रेट कम होते जा रहा है मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस होने की वजह से। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, थर्ड वन अनअवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज, नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सिटीज, एंड लास्ट वन इज रिजल्टिंग माइग्रेशन। ओके, नेक्स्ट,
To reduce the strain on cities, it is necessary to make jobs available in villages, achieve a balance in economic development, control the expansion of metros, and provide necessary services and facilities in both the urban as well as rural areas. Okay? तो शहरों के टेंशन्स को दूर करने के लिए, मीन्स रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये ज़रूरी है. क्या ज़रूरी है? विलेजेस में जॉब्स अवेलेबल कराना, लोगों के लिए, मीन्स पीपल के लिए विलेजेस में जॉब्स अवेलेबल कराना. सेकेंड क्या बोला गया है? अचीव अ बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आप सभी जानते हैं कि रूरल एरिया में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ होता है? अर्बन एरियाज में. तो ये नेसेसरी है कि दोनों जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस रहे. ठीक है, जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्बन एरिया में हो रहा है उतना ही कहाँ होना चाहिए? रूरल एरिया में. अगर शहरों का, मीन्स शहरों के टेंशन स्ट्रेन को रिड्यूस करना है तो ये नेसेसरी है कि विलेजेस में जॉब्स अवेलेबल लोगों को करा के दो. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस रहे. ओके, थर्ड वन क्या दिया है? कंट्रोल द एक्सपांशन ऑफ मेट्रोस. आप सभी देख रहे हैं कि शहर पे शहर जो है एक्सपांड होता जा रहा है, पहले मुंबई फिर नवी मुंबई. ओके, इस तरह से. तो उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज इन बोथ द अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज. यानी अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरियाज में भी नेसेसरी सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है. ठीक है, तो इन सब रीजन के वजह से क्या होगा कि सिटीज का स्ट्रेन जो है, मीन सिटीज का जो टेंशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट रूरल एरिया. अ विलेज इज अ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स नियर द लैंड दे देमसेल्व्स टिल्ड आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली. ओके, तो विलेज क्या होता है? एक परमानेंट सेटलमेंट, फार्मर्स का परमानेंट सेटलमेंट होता है जहाँ वो फील्ड्स के आसपास रहते हैं, यानी जहाँ पे वो खेती करते हैं, फील्ड के आसपास ही वो अपना घर बना के रहते हैं. ठीक है, एंड क्या दिया है? देमसेल्फ टिल्ड. टिल्ड का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे वो लैंड, जो जमीन है वो कल्टीवेट कर रहे हैं, यानी वहाँ पे क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? टिल्ड, यानी फील्ड में वर्क करना. टिल्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड में वर्क करना. ठीक है, क्या कहा है? आइदर इंडिविजुअली, यानी या तो इंडिविजुअली सिर्फ एक फार्मर कर रहा है, या फिर क्या बोला है? कलेक्टिवली, यानी उसकी फार्मर्स की पूरी फैमिली जो है फील्ड में वर्क कर रही है. ओके, सो अ विलेज इज अ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स. गांव जो होता है वो एक परमानेंट सेटलमेंट होता है. किसका? फार्मर्स का. ओके, किसानों का. नियर द लैंड दे देमसेल्व टिल्ड, यानी वो फील्ड के आसपास ही रहते भी हैं और वो फील्ड में वर्क भी करते हैं. ठीक है, आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली. ओके, नेक्स्ट, विलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन फार्मिंग बिगन. ओके, विलेजेस जो है कब सेटल्ड हुए, कब एग्जिस्ट हुए? जब फार्मिंग शुरू हुआ. ठीक है, जब लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे जो है उसके बाद विलेजेस भी सेटअप होने लगे. ओके, नेक्स्ट, विलेजेस इन इंडिया आर थिनली पॉपुलेटेड. विलेजेस इन इंडिया आर थिनली पॉपुलेटेड का मतलब ये है कि लोग ज़्यादातर जो है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि लोग ज़्यादातर कहाँ पे मतलब जाते हैं? अर्बन एरिया में. पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे हो रहा है? अर्बन एरिया में. इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया में जो विलेजेस है वो थिनली पॉपुलेटेड है, यानी वहाँ पे पीपल कम है, पॉपुलेशन कम है. ओके, नेक्स्ट, अ डेंस क्लस्टर ऑफ हाउसेस. क्लस्टर मतलब होगा ग्रुप. ओके, डेंस मीन्स घना. अ डेंस क्लस्टर ऑफ हाउसेस सराउंडेड बाय फार्म लैंड इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन विलेज. तो इंडियन विलेज यानी इंडिया के जो गांव है, तो उसका यूनिक फीचर क्या है कि जो फार्म लैंड है, जो डेंस क्लस्टर ऑफ हाउसेस है, यानी जो फार्मर्स के जो हाउसेस है वो किससे घिरे हुए होते हैं? फार्म लैंड से. ओके, और ये इंडियन विलेज का एक यूनिक फीचर है. ठीक है, नेक्स्ट, अ सेटलमेंट स्मॉलर दैन इवन ए विलेज इज कॉल्ड अ हैमलेट. और जो गांव से भी मतलब स्मॉल एक सेटलमेंट होता है, यानी जो बस्ती होती है, सेटलमेंट को क्या कहा जाएगा? बस्ती. तो जो गांव से भी छोटा मतलब बस्ती होता है उसे कहा जाता है हैमलेट. ओके, नेक्स्ट, कंपेयर टू द अर्बन कम्युनिटी द विलेज कम्युनिटी इज वेरी स्मॉल. अगर हम अर्बन कम्युनिटी से कंपेयर करें विलेज कम्युनिटी को,
तो विलेज कम्युनिटी अर्बन कम्युनिटी से बहुत ही छोटी होती है. ओके, नेक्स्ट, विलेजेस आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया. मीन्स इंडिया में बहुत सारे गांव हैं, इंडिया में भरपूर गांव है, बहुत सारे गांव है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी गांव हैं वो सब इक्वल है. यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, इक्वल. तो इक्वल नहीं है, इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं लेकिन वो सब इक्वल नहीं है, सेम नहीं है. ठीक है, देर आर डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रीजनल एंड फिजिकल फीचर्स. उनमें डिफरेंसेस है, गाँव में डिफरेंसेस है. किस पे वो डिफरेंसेस किस पे बेस्ड है? रीजनल और फिजिकल फीचर्स पे. अब रीजनल फीचर्स का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि कुछ गांव जो है नॉर्थ इंडिया में सेटल्ड हुए हैं, ठीक है, बसे हुए हैं, कुछ गांव जो है वो साउथ इंडिया में हैं. ठीक है, ये हो गया रीजनल फीचर्स. और फिजिकल फीचर्स क्या है कि जैसे कुछ गांव जो है वो रिवर्स के पास हैं, कुछ गांव जो है वो माउंटेनियस एरिया के पास हैं. तो ये हो गया फिजिकल फीचर्स. ओके, तो यही कहा गया है कि इंडिया में बहुत सारे गांव हैं लेकिन वो गांव जो है यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल नहीं है, उनमें डिफरेंसेस है. और वो डिफरेंसेस किस पे बेस्ड है? रीजनल और फिजिकल फीचर्स पे. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. कीपिंग इन माइंड द गोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, द कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम हैज़ कम इनटू फोर्स. यानी रूरल डेवलपमेंट के गोल को, रूरल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को, एम को माइंड में रखते हुए क्या मतलब स्टैब्लिश किया गया? कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम. ओके, मींस रूरल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए, मींस रूरल एरिया को भी कैसे डेवलप करना है, मींस वो एम को पूरा करने के लिए, मींस ये माइंड में रखा गया कि कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, प्लान्स वर मेड फॉर इम्प्रूविंग फार्मिंग टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड, एक्सटेंडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज, इनएक्टिंग द लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म अंडर दिस स्कीम. और ये जो स्कीम स्टार्ट की गई, कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम, तो ये स्कीम के अंडर प्लान्स बनाए गए. कौन से प्लान्स? किसके लिए? फार्मिंग टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड. अब ये क्या होगा, जैसे कोई सीजन में अगर रेनफॉल कम हुआ तो खेती को जो है पानी चाहिए. ठीक है, तो इरिगेटेड लैंड एरिया इंक्रीज करना, जैसे डैम्स वगैरह बिल्ड कर देना, कैनल्स हुआ, लेक्स हुआ. तो अगर बाय चांस किसी सीजन में रेनफॉल नहीं हुआ, ओके, या फिर बारिश कम हुई और जितना पानी मतलब खेती को चाहिए उतना अवेलेबल नहीं हुआ, तो अगर डैम्स रहेंगे, कैनल्स हुआ वो गाँव में, ठीक है, और लेक्स हुए, तो उसके थ्रू जो है खेती को सींचा जा सकता है. ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया है, इंक्रीज द एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड. ठीक है, ये प्लान्स बनाए गए. नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज. यानी रूरल एरियाज में भी, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज को एक्सटेंड करना यानी बढ़ाना. ठीक है, लैंड रिफॉर्म के लिए लॉज इनेक्ट करना. ठीक है, जैसे कि भूदान मूवमेंट सबसे अच्छा एग्जांपल है लैंड रिफॉर्म का. भूदान मूवमेंट ये किसने किया था? भूदान मूवमेंट स्टार्ट महात्मा गांधी के डिसिपल्स यानी उनके फॉलोअर आचार्य विनोबा भावे जी थे. उन्होंने भूदान मूवमेंट जो है अप्रैल 1951 में स्टार्ट किया था. और इसके थ्रू, ये मूवमेंट के थ्रू, जो लैंड ओनर्स थे उनसे ज़मीन लेके लैंडलेस लेबरर्स को या फिर लैंडलेस जो फार्मर्स हुआ करते थे तो एज अ गिफ्ट उन्हें दिया जाता था. ठीक है, और ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? आचार्य विनोबा भावे ने. यानी लैंड ओनर्स जो ज़मींदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, ठीक है, तो उनसे ज़मीन लेके एज अ गिफ्ट किसको दिया जाता था? लैंडलेस फार्मर्स को, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी. ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है लैंड रिफॉर्म का. तो यही सारी चीज़ जो है, ये सारे प्लान जो है ये स्कीम के अंडर बनाए गए. ठीक है, कौन से प्लान? इम्प्रूविंग फार्मिंग टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ इरीगेटेड लैंड, एक्सटेंडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज, इनएक्टिंग द लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म. ओके, नेक्स्ट, इट ऑल्सो एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज वेल एज एक्सपांडिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज एंड स्कोप फॉर एजुकेशन इन द रूरल एरियाज. ओके, तो ये स्कीम जो था, कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम, इसका एक और भी एम था. क्या एम था? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज करना. ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेती का जो मतलब प्रोड्यूस है, जैसे क्रॉप्स वगैरह है, फसल है, तो उसको इंक्रीज़ करना. उसके साथ साथ क्या कहा है? ट्रांसपोर्ट के साधन को एक्सपांड करना,
मीन्स का मतलब क्या होगा? साधन. और क्या 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 कहा गया है? हेल्थ सर्विसेज एंड स्कोप फॉर एजुकेशन इन द रूरल एरियाज. मीन्स एजुकेशन के स्कोप को भी एक्सपांड करना, हेल्थ सर्विसेज को एक्सपांड करना, ट्रांसपोर्ट मीन्स को एक्सपांड करना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज करना. तो ये भी ये स्कीम का एम था. ठीक है. नेक्स्ट, इट वॉज डिसाइडेड टू गिव प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन विलेजेस. जैसे कि हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन सिर्फ कहाँ होता है? अर्बन एरियाज में. तो ये भी मतलब डिसाइड किया गया कि विलेजेस में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट अंडरटूक दिस वर्क थ्रू द मीडियम ऑफ ग्राम पंचायत विच इंक्लूडेड द पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड ट्राइब्स. और ये जो काम है मीन्स विलेजेस का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और विलेजेस को भी ये फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हुआ या फिर हेल्थ सर्विसेज एक्सपांड करना, ट्रांसपोर्ट के साधन को एक्सपांड करना, ये सारे सुख सुविधा विलेजेस को भी मिलना चाहिए. मीन्स वहाँ पे भी लोग रहते हैं. ठीक है. तो ये वर्क जो है, ये वर्क गवर्नमेंट ने किसको सौंपा? ग्राम पंचायत को. और ग्राम पंचायत में जो है सारे पीपल को इंक्लूड किए गए, चाहे भले ही वो अदर कास्ट के क्यों है, क्यों ना हो. ठीक है. यहाँ पे क्या दिया है? द गवर्नमेंट अंडरटूक दिस वर्क थ्रू द मीडियम ऑफ ग्राम पंचायत विच इंक्लूडेड द पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड ट्राइब्स. ओके. टू अचीव दिस, और इसको हासिल करने के लिए द ग्राम पंचायत, पंचायत समितिज एंड जिला परिषद वर एम्पावर्ड विथ मोर अथॉरिटी. मीन्स ये अचीव करने के लिए, यानी विलेजेस को भी सब सुख सुविधा मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए. तो इसको हासिल करने के लिए ग्राम पंचायत को, पंचायत समितिज को और जिला परिषद को और भी ज़्यादा पावर दिया गया. ओके. अथॉरिटी का मतलब क्या होगा? पावर. तो ग्राम पंचायत जो है वो हर एक गांव में होते हैं. ठीक है. पंचायत समितिज जैसे कि कुछ गांव को मिला के पंचायत समितिज बनते हैं, और जिला परिषद जो एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिला में होता है. ठीक है. तो इनको और भी ज़्यादा मतलब पावर दिया गया. नेक्स्ट, चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ. अर्लियर एवरी विलेज वॉज इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशियंट. मतलब पहले ब्रिटिश रूल के पहले हर एक विलेज जो होता था, गांव जो होता था, वो सेल्फ सफिशियंट होता था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता था. ठीक है. नेक्स्ट, अ मेजॉरिटी ऑफ द विलेजर्स वर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग. और जितने मतलब विलेजर्स होते थे, मेजॉरिटी ऑफ विलेजर्स, वो किस पे डिपेंड होते थे? फार्मिंग पे, यानी खेती पे. ठीक है. नेक्स्ट, फार्म प्रोड्यूस यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर्टिसंस एज पेमेंट फॉर देयर वर्क. जैसे आर्टिसंस कौन? जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, कॉबलर हुए, पॉटर हुए. ठीक है. तो ये आर्टिसंस एज आर्टिस्ट काम करते थे, तो इनको अगर मतलब फार्मर्स कुछ इनसे लेते थे या काम करा के लेते थे, तो फार्मर्स इन्हें एज अ पेमेंट, यानी पेमेंट के रूप में क्या देते थे? फार्म प्रोड्यूस, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था, कि गुड्स के बदले गुड्स लेना. ठीक है. अभी तो गुड्स के बदले क्या दिया जाता है? मनी. लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बार्टर सिस्टम होता था, गुड्स के बदले गुड्स. तो जो आर्टिसंस होते थे वो फार्मर्स का मतलब काम करके देते थे. ओके. आर्टिसंस कौन? जो मैंने एग्जाम्पल बताया, पॉटर्स हुए, कॉबलर हुए, और उनको एज अ पेमेंट, यानी पेमेंट के रूप में फार्मर्स क्या देते थे? फार्म प्रोड्यूस, यानी अनाज वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ दिस सिचुएशन हैज़ चेंज्ड. लेकिन ये सिचुएशन अब चेंज हो चुका है. ठीक है. रूरल एरियाज आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशंस एंसिलरी टू फार्मिंग. जो रूरल एरियाज हैं वो टोटली किसमें एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में. और क्या दिया है? ऑक्यूपेशंस एंसिलरी टू फार्मिंग. वो ऑक्यूपेशन जो फार्मिंग से रिलेटेड हो. जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो एग्रीकल्चर में पूरी तरह से एंगेज है, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ भी ऑक्यूपेशन है, जैसे कि गुड़ होता है, जैगरी मेकिंग. ठीक है. इंडस्ट्री है या फिर फैक्ट्री है जहाँ पे गुड़ बनता है, तो वो गुड़ किससे बनता है? शुगर केन से. तो ये किससे रिलेटेड हुआ है ऑक्यूपेशन? फार्मिंग से. ओके. नेक्स्ट क्या दिया है? व्हाइल अर्बन सोसाइटी इज एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द सर्विस सेक्टर. और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो अर्बन सोसाइटी है, यानी अर्बन एरिया के लोग किसमें एंगेज है? नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर में. ओके. सो रूरल एरिया किसमें एंगेज है? एग्रीकल्चर और ऑक्यूपेशंस एंसिलरी टू फार्मिंग,
यानी वो ऑक्यूपेशन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और अर्बन सोसाइटी के लोग इसमें एंगेज है नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर में. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट के बारे में. इन 1961 82% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिसाइडेड इन विलेजेस. 1961 में विलेजेस में इंडिया के कितने पॉपुलेशन रहते थे? 82%. नेक्स्ट, इन 1971 द परसेंटेज वॉज 80.01%, यानी 2% रिड्यूस हो गया. 1961 में विलेजेस में कितने लोग रहते थे? बताया गया है 82%. और 1971 में परसेंटेज 2% डिक्रीज हो गया. कितने परसेंट थे? 0.01%. ठीक है, नेक्स्ट. सो फार, लेकिन अभी तक द रूरल एरिया हैज शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एंड अदर रॉ मटेरियल टू अर्बन एरियाज, सप्लाइंग लेबर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ द सिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. क्या कहा गया है कि 1961 में 82% लोग यानी पॉपुलेशन विलेजेस में थे, और 1971 में 2% डिक्रीज हो गया, तो कितने परसेंट पॉपुलेशन? 80.01%. लेकिन फिर भी अभी तक रूरल एरिया के कंधों पे वो जिम्मेदारी है, अर्बन एरिया की जिम्मेदारी है. क्या क्या जिम्मेदारी? प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स टू अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज को जो फूड ग्रेन्स की ज़रूरत होती है, अनाज की ज़रूरत होती है, या फिर अर्बन एरियाज में जो इंडस्ट्रीज सेटअप है, तो वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए. जैसे इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल मिल हुआ, तो टेक्सटाइल मिल में कपड़े बनते हैं. कपड़े किससे बनते हैं? थ्रेड से. और थ्रेड किससे? कॉटन से. तो वो कॉटन कहाँ मिलेगा? रूरल एरिया में. ठीक है, तो यही बोला गया है कि लेकिन अब तक रूरल एरिया के ऊपर, रूरल एरिया के कंधों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्बन एरियाज़ को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, अर्बन एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल भी रूरल एरिया ही प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सप्लाइंग लेबर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द सिटी, यानी शहरों में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं तो वहाँ पे काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है. तो ये लेबर कहाँ से सप्लाई किए जाते हैं? रूरल एरिया से. ओके, नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखना है वो भी कौन रखते हैं? रूरल एरिया के लोग. ठीक है, नेक्स्ट, देर आर थ्री मेजर चैलेंजेस विथ रेफरेंस टू रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्री मेजर चैलेंजेस है. फर्स्ट वन क्या है? ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना, ये पहला चैलेंज. सेकंड है डेवलपिंग फैसिलिटीज टू मीट सोशल नीड्स. अब सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें होती है, ठीक है, तो उन ज़रूरत को पूरा कराना, तो पूरा किससे होगा? फैसिलिटीज प्रोवाइड करके. तो ये सेकेंड चैलेंज है. ओके, डेवलपिंग फैसिलिटीज टू मीट सोशल नीड्स. ओके, एंड लास्ट वन, फाइनली ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज ऑफ एटीट्यूड इन मैटर्स कंसर्निंग सोसाइटी कल्चर एंड वेज ऑफ थिंकिंग. थर्ड चैलेंज ये है कि गांव में जो लोग रहते हैं, रूरल सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं, उनके वेज ऑफ थिंकिंग यानी उनकी मेंटेलिटी को चेंज करना. जैसे गवर्नमेंट ने अगर टॉयलेट्स प्रोवाइड किया है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो टॉयलेट को यूज़ नहीं करते, वो उनकी मेंटालिटी है. तो ये सारी चीज़ों को, मीन्स उनकी मेंटालिटी को चेंज करना, तो ये थ्री मेजर चैलेंज है रूरल डेवलपमेंट के लिए. सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना. सेकंड वन है सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके सोशल नीड्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करके पूरा करना. और थर्ड वन क्या है कि जो लोग रह रहे हैं उनकी मेंटालिटी को चेंज करना. ओके, नेक्स्ट, इट इज़ इक्वली नेसेसरी टू एक्सपेडाइट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स एंड ब्रिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स. और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, ये भी इक्वली नेसेसरी है कि इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना. एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत करना, स्टार्टअप करना. ठीक है, और क्या दिया है? ब्रिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, यानी लैंड रिफॉर्म्स सुधार करना, जैसे कि मैंने आप सभी को भूदान मूवमेंट का एग्जाम्पल बताया. ओके, सो इट इज इक्वली नेसेसरी टू एक्सपेडाइट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स एंड ब्रिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. इन द नेक्स्ट पार्ट वी डिस्कस अबाउट सोशल नीड्स एंड फैसिलिटीज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.